कार्यक्रम जब मैं आ रहा था करने यहाँ, तो मैं एक चीज़ सोच रहा था जो मैं आज आपसे पूछूंगा। ऐसे विभाग है जिनका मैं जिक्र करूंगा इस देश को, एक तो शिक्षक वर्ग। ये ऐसा पर्व मनाते थे जब हम छोटे हुआ करते थे, 15 अगस्त, मातृभूमि हित लड़ते लड़ते। और उसके बाद अगर आपने कुछ कविता, कुछ शायरियां, अगर उस माध्यम से आप कुछ हमारी जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। मुझे कंकर भी मिलेगा तो फूल सौंपूंगा, 3 रंग में चक्र सुशोभित। तो उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता आज, एक तरीके से आपकी श्रद्धांजलि हो जाएगी। छोड़ा है घर बार देश के लिए, हम क्या कर सकते हैं अनु जी। गर्वित जनगण मन गाए, और मैं उन बच्चों से निवेदन करता हूँ। वो ये था कि अभी अभी हाल ही में हमारा 15 अगस्त बहुत बहुत बातें करता हूँ, ये चक्रव्यूह के महाभारत काल के भी बन्यु है। नजर सदा दुश्मन पे रहती, पवन हो गए पवन हो गए। जीना मुश्किल है कि आसान, जरा देख तो लोग लगते हैं परेशान, जरा देख तो लो। तुम ये कहते हो कि मैं गैर हूं, फिर भी शायद निकल आए कोई पहचान, जरा देख। वाह, अच्छी बात है। कवि और उसकी कृति में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं विकुल शर्मा आप सभी का अभिनंदन करता हूं, और हमारे मेहमान भी आए हुए हैं, अनु जी, गोपाल व्यास जी। इन्हीं के साथ हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं सिलसिलेवार तरीके से, और बहुत दिलचस्प बातें होंगी। हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, और क्या पता आज शायर किस तरफ अपनी नाव को ले जाए और किन किन तरंगों से उन शब्दों को हम तक पहुंचाए। तो मैं सबसे पहले आज इस कार्यक्रम को शुरुआत करना चाहूँगा हमारे व्यास जी से। व्यास जी, अभी सबसे पहले तो आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है जी। और मैं एक कार्यक्रम जब मैं आ रहा था करने यहाँ, तो मैं एक चीज़ सोच रहा था जो मैं आज आपसे पूछूंगा जी। वो ये था कि अभी अभी हाल ही में हमारा 15 अगस्त जो गया है, और 75 साल हमारे आज़ादी को हो गए हैं, तो बड़ी कहानियाँ हैं इसके पीछे, बड़े गिले भी हैं, शिकवे भी हैं, बहुतों ने आज़ादियाँ हमें दिलवाई हैं, बड़ी लोग इसके पीछे जुड़े हुए हैं, कितनों की जान गई है, कितने शहीद हुए हैं, कितने लीडर्स आए गए, उनके बारे में मैं चाहता हूं कि आप कुछ कहें, और उसके बाद अगर आपने कुछ कविता, कुछ शायरियां, अगर उस माध्यम से आप कुछ हमारी जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता आज, एक तरीके से आपकी श्रद्धांजलि हो जाएगी जी। आप सबको मेरा प्रणाम। इस कार्यक्रम में शर्मा जी ने संकेत किया, अभी हम 15 अगस्त 2021 को मना करके कुछ राष्ट्र के नाम मोदी जी साहब ने जो संदेश दिया उसको भी सुना। ये ऐसा पर्व मनाते थे जब हम छोटे हुआ करते थे, 15 अगस्त गांवों में प्रभात फेरियां होती थी, हमारे शर्ट हम धो लेते थे, मुझे याद है जब छोटा था, 6ठी 8ठी की बात है, प्रेस नहीं होती तो थोड़ा गीला होता था शर्ट और हाफ पेंट, उसको तय करके हम सिराने रख देते थे। बिल्कुल सही कहा। 4 बजे की प्रभात फेरियों में हम बच्चों के साथ, अपने गुरुजन के साथ एक माहौल और वातावरण बनाते थे, एनवायरमेंट बनाते थे, और स्कूलों में बहुत भव्य सादगी के कम खर्चे में झांकियां बनाते थे, संस्कार दिए जाते थे। हमारे साथ पढ़ने वाली बच्ची को एजुकेशन में वो झांसी की रानी बनती, कोई बच्चा अच्छा पढ़ता अच्छा दिखता वो महाराणा प्रताप बनता, कोई बच्चा गांधी बनता, और उनमें मुझे वो झलक दिखती, वो जो गांधी बनता था ना, उसका स्वरूप गांधी का उतर आता था, क्योंकि वो भीतर से उस पात्र को और सिलेक्शन करते समय टीचर ध्यान रखता था कि इसमें गांधी जैसे गुण है, इसमें प्रताप जैसा का शौर्य है, तब चयन होता था हमारा। तो इस देश में 3
ऐसे विभाग है जिनका मैं जिक्र करूंगा इस देश को, एक तो शिक्षक वर्ग, चाहे वो कॉलेज एजुकेशन का हो चाहे स्कूल मेथड का, टीचर प्रोफेसर की बहुत जिम्मेदारी है। एक डॉक्टर की कोई गड़बड़ कब्र में दफन हो जाती है, किसी जज और वकील की कोई गलती फाइल में दफन हो जाती है, लेकिन अगर एक शिक्षक की कोई गलती है तो वो समाज में उभर के आती है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। आज अगर स्कूल विधिवत ढंग से संचालित हो जाए तो कोर्ट बंद भी हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी बच्चे को टीचर ने वो संस्कार दे दिए माता पिता ने मिलके कि अपराध नहीं करेगा, तो मैं सच कहता हूँ बहुत सारे डिपार्टमेंट बंद हो जाएंगे। लॉ वाले करेंगे क्या, जुडिशरी वाले क्या करेंगे, इवन पुलिस क्या करेगी। मैं कोई असंभव बात को संभव नहीं कर रहा हूं, मेरा एक थॉट है कि अगर मुझे कोई अपराध की वृत्तियां नहीं रही। इसीलिए तो हम सतयुग की कल्पना कर रहे हैं, जो नई सृष्टि का सृजन ज्ञान के माध्यम से ब्रह्मा कुमारीज में हो रहा है, उसके पीछे एक ईश्वरीय रचना। क्यों इसका नाम ईश्वरीय विश्वविद्यालय रखा? ठीक बात। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो शाश्वतता और आत्मा की बात की जाती, तो विपुल जी मैं विपुल जी बता रहा हूँ, शहीदों के नाम में रहेगी बड़ा प्यारा गीत। स्वागत है, स्वागत है सर। इसके पूर्व कि मैं इस गीत को रखूं, मैं उन शहीदों के मनोविज्ञान को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि एक शहीद क्या चाहता है, वो क्या कह रहा है आपको और आपके राष्ट्र को। मुझे कंकर भी मिलेगा तो फूल सौंपूंगा, वादा करता हूं। मुझे कंकर भी मिलेगा तो। जब वो आर्मी में भर्ती होता तो ऑथ लेता है। जब एक डॉक्टर एम भी आप देखिए, मुझे कंकर भी, और देते भी क्या हमसे, कंकर ही देते उनको, बर्फ के कंकर देते जी, कभी जी, उसको कंक्रीट के कंकर देते, कभी झाड़ियों के कटीले कंकर देते, वो रहता भी तो वही है। मुझे कंकर भी मिलेगा तो फूल सौंपूंगा, अब्बा बोलो के बदले मैं गुलाब रोपूंगा। सैनिक के जज्बात, तुम्हारे साथ रहा अब तलक मैं अनजाना। बहुत कम उम्र में सिलेक्शन हो जाते हैं आर्मी में, बच्चा 18-20 साल के घर परिवार से एकदम वहां चला जाता है सीमा पर। त्योहार भी वो वही मनाते हैं और कुछ तो लौट के भी नहीं आते हैं। तुम्हारे साथ रहा अब तलक मैं अनजाना, अब क्षमा पे जलूंगा बन के नया परवाना। वो आर्मी में ज्वाइन करता, चाहे वो जल सेना हो, चाहे स्थल सेना हो, चाहे वायुसेना हो, मैं उन इन तीनों विभागों के उन सैनिकों के नाम आज एक गीत पढ़ रहा हूँ। स्वागत है। मेरी हस्ती को मिटा के यहाँ से जाऊंगा, सैनिक कहता, तेरी पहचान से दुनिया नहीं बसाऊंगा। तिरंगे की और वो सांसें छोड़ता है कभी कभी। मेरे कर्जे सभी उतर के आज धन्य हुए। जब गोली खा के शहीद मरता होगा तो शायद ये अनु जी, मैं सीमा पे तो नहीं गया पर मैंने अपने बिस्तर पर सैनिक बन के मरने का अनुभव लिया है, तब ये गीत लिखा। मेरी हस्ती को मिटा के यहाँ से जाऊंगा, तेरी पहचान से दुनिया नहीं बसाऊं, मेरे कर्जे सभी उतर के आज धन्य हुए, मेरे कर्जे सभी उतर के आज धन्य हुए, जो तसव्वुर में थे वो आज फिर प्रणम्य हुए। वो ख्यालात, देश के लिए मैं मरूंगा, देश के लिए जीऊंगा, और वो अपने सांसें छोड़ देता है अनु जी। उसके बाद क्या होता है, उसके घर परिवार का क्या होगा, लेकिन उन शहीदों की वजह से आज हम जिंदा हैं, हम सुरक्षित हैं। तो आप देखिएगा, मैं शहीद के लिए एक श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। जो शहीद हो गया उसके प्रति एक कवि के जज्बात, और ऑडियंस आपका मैं पूरा ध्यान चाहूंगा कि मैं मेरे इस गीत के दर्द को आप जरूर समझे, मैं गीत में कहना क्या चाहता हूं। बिल्कुल। तुमने छोड़ा है घर बार देश के लिए, तुमने छोड़ा है घर बार देश के लिए, तुमने मारी है ममता इस देश के लिए। छोटे छोटे बच्चे
को छोड़ के वो माँ का प्यार पत्नी को छोड़ के जाता। तुमने छोड़ा है घर बार देश के लिए, तुमने मारी है ममता इस देश के लिए, रहे राष्ट्र इसलिए खुद हवन हो गए, रहे राष्ट्र इसलिए खुद हवन हो गए, मरते पानी भी न मांगा रे पवन हो गए। या मैंने पंचभूत तत्व लिए है जो कविता के बहुत गहरे चीतरे है, वो समझिएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। रहे राष्ट्र इसलिए खुद हवन हो गए अग्नि, मरते पानी बिन मांगा रे पवन हो गए। जवाब नहीं छोड़ा है घर बार। फ्लैशबैक में जाइएगा, वो कैसे गया, उसकी माँ को मैं कैसे ढाढस बंधाऊ। जिसने लोरी सुना था तुम्हें बड़ा किया, सैनिक की मात की बात पहुंचा रहा हूँ। जिसने लोरी सुना था तुम्हें बड़ा किया, ऐसी वीरांगना का तुमने दूध था पिया, एक मेहमान बने कुछ दिनों के लिए, एक मेहमान बने कुछ दिनों के लिए, दूध उजला किया और तुम सो गए रे, तुमने छोड़ा है घर बार देश के लिए। हम क्या कर सकते हैं अनु जी, याद कर कर के हम तुम्हें भुला न पाएंगे, शहीदों के तरानों को भरे दिल से गाएंगे, नापाक इरादे नापाक इरादे कभी कहर ढाएंगे, तेरे बलिदान के वितान छा जाएंगे रे, तुमने बहुत सुंदर छोड़ा है घर बार देश के लिए। मेरा सबसे प्रिय पंथ ये देखेगा, स्वागत, ये थ्री डायमेंशनल बात कह रहा हूँ, त्रिआयाम में बात देखेंगे। पद प्रतिष्ठा और पैसा आज समीकरण है, बहुत बढ़िया, ये इसमें अनुप्रास भी है, पद प्रतिष्ठा और पैसा, पद प्रतिष्ठा और पैसा आज समीकरण है, ऐसे कोहरे में चमके तू रवि किरण है, पद प्रतिष्ठा वो पैसा आज समीकरण है, ऐसे कोहरे में चमके तू रवि किरण है, दर्द है बस तुम्हें बस तुम्ही रहनुमा, हम तो कायल तुम्हारे हमको तुम पे गुमारे, तुमने छोड़ा है घर बार। कविता का अंतिम मन सुनेगा, कितने अरमा तुम्हारे दफन हो गए, क्या बात कह रहे हो यार, वैसे बात बात बात, कितने अरमा तुम्हारे दफन हो गए, प्यारी दुल्हन के जोड़े कफन हो गए, बन के अभिमन्यु फिर नसीहत सिखा गए, व्यूह तोड़ पाक कार्य हकीकत दिखा गए। हमारे अभिमन्यु आए हैं, बहुत बहुत बातें करता हूँ, ये चक्रव्यूह के महाभारत काल के अभिमन्यु है और अभी वर्तमान से गुजरे बिल्कुल बिल्कुल अभिमन्यु है। बन के अभिमन्यु फिर नसीहत सिखा गए, व्यूह तोड़ पाक कार्य हकीकत दिखा गए रे, तुमने छोड़ा है घर बार देश के लिए, तुमने मारी है ममता इस देश के लिए, रहे राष्ट्र इसलिए खुद हवन हो गए, मरते पानी बिन मांगा पवन हो गए, पवन हो गए, पवन हो गए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत शब्दों में आपने बहुत खूबसूरत बातें हमें कही हैं। एक शायर की नज़र से एक जो शहीद वीर गाथा जिनकी गाई जाती है वो शायर ने हमें अपने हिसाब से सुनाई है। मैं चलता हूँ हमारे दूसरे मेहमान की तरफ, अनु जी की तरफ,
उनके पास हमारे लिए आज क्या है, क्या वो हमें सुनाना चाहते हैं? सुनाने को तो शर्मा जी बहुत है जी जी, लेकिन अभी आदरणीय व्यास जी ने जो गीत पढ़ा उसने माहौल बदल दिया। मैं सुनाना कुछ और चाहता था, सत्य बात तो यही है, लेकिन अब नहीं सुनाऊंगा। इसलिए नहीं सुनाऊंगा कि मैं कुछ सुनाऊंगा तो शहीद की आत्मा को दुख होगा। जी जी जी, क्योंकि जिस प्रकार का वातावरण कविता में बन जाता है और उसको आगे नहीं बढ़ा सके, तो कम से कम उस वातावरण को कायम भी रख पाए तो हमारा अपना कहन सार्थक होता है। निवेदन कर रहा हूं मैं एक अपने ढंग से देश के प्रति एक 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 मुक्तक से अपनी बात शुरू करूं। जरूर। भारत का सिर मोर तिरंगा, भारत का सिर मोर तिरंगा, मुक्त गगन में लहराए। भारत का सिर मोर तिरंगा, मुक्त गगन में लहराए। तीन रंग में चक्र सुशोभित, तीन रंग में चक्र सुशोभित, देख देख मन हर्षाए। फिर से विश्व गुरु बन करके, फिर से विश्व गुरु बन करके, विश्व पटल पर लहराए। भारत का हर बच्चा दिल से, भारत का हर बच्चा दिल से, गर्वित जन गण मन गाए। भारत का हर बच्चा दिल से, गर्वित जन गण मन गाए। और मैं उन बच्चों से निवेदन करता हूं कि जो अभी से पहले आपने उसके कुछ समय पहले एक बात पूछी भी थी, युवाओं का संदेश वगैरह इस प्रकार की कोई बात, तो उस समय मैंने जो बात कही थी उसको मैं एक छंद के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। जरूर जरूर, जब देश की ही बात हो रही है तो स्वागत है, स्वागत है जरूर। कि पथ में कितनी बाधाएं हों, पथ में कितनी बाधाएं हों, कभी नहीं तुम घबराना। पथ में कितनी बाधाएं हों, कभी नहीं तुम घबराना। कठिन राह हो नहीं छाह हो, पर तुम आगे बढ़ जाना। कठिन राह हो नहीं छाव हो, पर तुम आगे बढ़ जाना। निवेदन कर रहा हूं कि सच्चा पथिक वही है साथी, सच्चा पथिक वही है साथी, नहीं किसी से डरता है। मन में पक्का निश्चय करके, मन में पक्का निश्चय करके, लक्ष्य वरण वो करता है। मन में पक्का निश्चय करके, लक्ष्य वरण वो करता है। और एक गीत, हाँ जी हाँ जी जरूर, व्यास जी ने भूमिका बना दी है शहीद में भी। हाँ जरूर, इनका अपना एक तेवर था जी, पर मेरी शहीद को श्रद्धांजलि किस प्रकार के, जो हमारे देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए, शहीद हो गए। हमने क्या किया, हम कुछ भी नहीं, एक दिया मात्र नहीं जला सके उनके लिए, जिन्होंने उस बर्फ के कंदराओं के अंदर तपस्या की इस मातृभूमि की रक्षा के लिए। निवेदन कर रहा शहीदों करते तुम्हें सलाम, शहीदों करते तुम्हें सलाम, मातृभूमि हित लड़ते लड़ते, मातृभूमि हित लड़ते लड़ते, देश के आए काम, शहीदों करते तुम्हें सलाम। निवेदन कर रहा हूं, सीमा पर तुम पहरा देते, सीमा पर तुम पहरा देते,
तब हम चैन से सोते, सीमा पर तुम पहरा देते तब हम चैन से सोते हैं। तुम बारूदी फसल उगाते, तुम बारूदी फसल उगाते, हम मादकता बोते हैं। तुम बारूदी फसल उगाते, हम मादकता बोते हैं। नजर सदा दुश्मन पे रहती, नजर सदा दुश्मन पे रहती, भले सुबह हो शाम शहीदों करते तुम्हें सलाम, शहीदों करते तुम्हें सलाम। और एक कटु सत्य निवेदन करना चाह रहा कि राजनीति की आंखों में घड़ियाली आंसू आते हैं, राजनीति की आंखों में घड़ियाली आंसू आते हैं। आपकी कुर्बानी का अंकन, आपकी कुर्बानी का अंकन कुछ धन दे इतराते हैं, आपकी कुर्बानी का अंकन कुछ धन दे इतराते हैं। फिर भी सबको देशभक्ति का, फिर भी सबको देशभक्ति का, देते हो पैगाम शहीदों करते तुम्हें सलाम, शहीदों करते सुबह सलाम। मातृभूमि हित लड़ते लड़ते, मातृभूमि हित लड़ते लड़ते, देश के आए काम शहीदों करते। और अंतिम निवेदन करना चाह रहा हूं कि हम देशवासियों का भी उन शहीदों के प्रति कुछ तो कर्तव्य है। बिल्कुल, इतना सारा सब कुछ है, हम इतनी सारी वो करते हैं, लेकिन किसके बलबूते पर, ये सोचने वाले। मैं निवेदन कर रहा हूं कि आए हैं त्योहार सभी तो सब मिल खुशी मनाओ रे, आए हैं त्योहार सभी तो सब मिल खुशी मनाओ रे, घर में जो गद्दार छिपे हैं चुन चुन मार भगाओ रे, घर में जो गद्दार छिपे हैं चुन चुन मार भगाओ रे, नहीं भुलाना दीप जलाना, पंक्ति देखना कि नहीं भुलाना दीप जलाना, तुम शहीद के नाम शहीदों करते तुम्हें सलाम, शहीदों करते तुम्हें सलाम। मातृभूमि हित लड़ते लड़ते, मातृभूमि हित लड़ते लड़ते, देश के आए काम शहीदों करते तुम्हें सलाम, शहीदों करते तुम्हें सलाम। और हमारा भी सलाम है उन तमाम जो हमारे लीडर्स रहे, हमारे शहीद रहे, जिन्होंने इस देश को आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी भाव से हो, किसी भी तरीके से हो। शायर हैं, इन्होंने अपनी बात शायरी से कही है, और तमाम लोग हैं, चाहे वो म्यूज़िक से कह रहे हों, गानों से कह रहे हो, कोई किस जिस भी तरीके से कह रहा हो। कहने को तो बात है कि हम ढूंढते रह गए अल्फाजों में, और वो आंखों से गजल कह गए तो शायरों ने अपनी बात कह दी है, और अब और कुछ कहने को रहा नहीं। हम सभी उन देशवासियों को प्रणाम करते हैं, और मिलेंगे इन हमारे मेहमानों से, दोबारा रूबरू होंगे, जल्द होंगे मुखातिब, और अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, जल्दी मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, जल्दी मिलेंगे। शुभ रात्रि।